क्वेश्चन नंबर वन, राइट इन वर्ड्स, नंबर्स आर गिवेन, यू हैव टू राइट द स्पेलिंग ऑफ द गिवेन नंबर. नंबर्स दिए हैं, उन्हें शब्दों में लिखना है, वर्ड्स में लिखना है. 89, तो 89 यू हैव टू राइट ई आई 89. सिक्सटी थ्री. सो रीड द नंबर केयरफुली एंड राइट द स्पेलिंग. क्वेश्चन नंबर टू, राइट इन फिगर्स. स्पेलिंग ऑफ द नंबर इज गिवेन, यू हैव टू राइट इन फिगर्स. 24, सो 24 नंबर यू हैव टू राइट 24. 52, like this you have to write. So read the number spelling correctly and write the number correctly. Question number 3, write before and after number. The number is given, यहाँ पर number दी है, इसके पहले वाला नंबर लिखना है, इसके बाद वाला नंबर लिखना है. 47 इज देयर, सो 47 के पहले क्या आता है, व्हाट कम्स बिफोर 47? 46. 47, व्हाट कम्स आफ्टर 47? व्हाट नंबर कम्स? 48. सो लाइक दिस यू हैव टू राइट द नंबर्स. क्वेश्चन नंबर 4, कलर बॉक्स अंडर द वेसल विच विल फिल इन लेस टाइम. ये टैप इज शोन, ये वेसल्स आर शोन. यहाँ पर नल दिखाया है और यहाँ पर बर्तन दिखाया है. द क्वेश्चन इज कलर बॉक्स अंडर द वेसल विच विल फिल इन लेस टाइम. लेस मीन्स कम समय. कम समय में कौन सा बर्तन जल्दी से भरेगा? छोटा वाला भरेगा. तो यहाँ पर इसको कलर करने का. क्वेश्चन नंबर 5, कलर बॉक्स अंडर द वेसल विच विल फिल इन मोर टाइम. मोर टाइम मतलब ज़्यादा टाइम लेता है, ज़्यादा समय लेने वाला कौन सा है? देखो ये बड़ा बर्तन है, तो बड़ा बर्तन क्या होगा, बिग वेसल इज देयर, इट विल टेक मोर टाइम. सो दिस इज यू हैव टू कलर. क्वेश्चन नंबर 6, कलर द बॉक्स बिलो द लाइट ऑब्जेक्ट. यहाँ पर दो वस्तुएं दी है, एक बॉल है और एक फुगा है, बलून है. तो कौन सा लाइट, लाइट मतलब अलका. तो लाइट है यहाँ पर, अलका वाला जो है ना ऑब्जेक्ट बलून है. बलून बहुत हल्का रहता है हवा भरने के बाद. क्वेश्चन नंबर 7, कलर द बॉक्स बिलो द हैवी ऑब्जेक्ट. हैवी मतलब वजनदार. ओके, तो यहाँ पर बॉल है, फिर से बलून है, तो कौन सा वजन रहेगा? बॉल वजन रहेगा. तो बॉल को आप, बॉल के नीचे वाले बॉक्स को कलर करना है. यू हैव टू कलर द बॉक्स बिलो द बॉल. क्वेश्चन नंबर 8, कंप्लीट द पैटर्न. हियर नंबर पैटर्न इज गिवन, सो नंबर पैटर्न यू हैव टू सी केयरफुली. सो लेट अस सी फर्स्ट वन. 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. फिर से 1 2 3 रिपीट हुआ है, मतलब क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, सेम रहेगा. 1, फिर बाद में 2 आएगा, फिर बाद में 3 आएगा. लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट द पैटर्न. यहाँ पर सेकेंड वाला देखो, 5 6 7, 5 6 7. तो यहाँ पर 5 6 7, एक डैश में एक ही नंबर लिखना है, रिमेनिंग यू कैन डू.
क्वेश्चन नंबर 9, ऐड. ऐड मतलब प्लस करना है. दिस इज अ साइन ऑफ एडिशन, प्लस करना है. फर्स्ट यू हैव टू रीड द सम, 13 + 5. 13 ये दिमाग में रखो, फिर 5 फिंगर्स दिखाओ और फॉरवर्ड काउंटिंग करो. 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18. तो यहाँ पर आपको 18 लिखना है. ट्वेल्व दिमाग में रखो, कीप इन माइंड 12 और 6 फिंगर्स को यूज करो. 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18. तो यहाँ पर आएगा आंसर आपका 18. क्वेश्चन नंबर 10, सब्ट्रैक्ट. 8 - 4, माइनस मतलब कम करना, निकाल देना. सो 8 आपके पास है, 8 थिंग्स आर देयर. 8 फिंगर से करो, 8 में से 4 निकालो. 1, 2, 3, 4. हाउ मेनी लेफ्ट? 4 आर लेफ्ट. तो यहाँ पर 4 लिखने का. दिस यू कैन डू. 11 - 3. ओके, 11 दिमाग में रखो, बिकॉज वी डोंट हैव 11 फिंगर्स. नो, 11 दिमाग में रखने का, 3 दिखाने का, 3 शो, 3 फिंगर्स शो. और माइनस करना है तो बैकवर्ड काउंटिंग करना है. यहाँ पर 11 है, 11 के पहले क्या आता है? 10, 9, 8. तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर 8. सो लाइक दिस यू हैव टू डू. सब्ट्रैक्शन रहेगा तो बैकवर्ड काउंट, एडिशन रहेगा तो फॉरवर्ड काउंट. क्वेश्चन नंबर 11, राइट टेंस and units in the given box and draw tens and units. तो यहाँ पर नंबर दिया है, how many tens are there, इसमें कितना tens है, कितना units है. यहाँ पर tens लिखना है, यहाँ पर unit लिखना है और यहाँ पर draw करके दिखाना है. So बहुत ही easy है. You have to read the number carefully. Number पढ़ने से आपको easily tens और यूनिट्स का पता चलता है. 43, 40 मतलब 4 टेंस और 3 यूनिट्स, हो गया. सो इजी. ड्रॉ करना है तो आप लोगों को नेकलेसेस बनाना है. 40 मतलब 4 टेंस का नेकलेस इस तरह से बनाना है. 3, ये 4 हो गया. और ईच में 10 बीट्स को दिखाना है, 10 से कम नहीं दिखाना है, 10 दिखाना है. 8, 9, 10 काउंट करना है प्रॉपरली. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बराबर रहना चाहिए. ये हो गया 40, 10, 20, 30, 40 और 3 सिंगल यूनिट्स दिखाने हैं. 1, 2, 3. सो हो गया 43. 4 tens, 3 units. सिमिलर यू कैन डू विद दिस रिमेनिंग नंबर्स. 27, 61, 50. नाउ 50 यू शुड बी केयरफुल. 50 में ओनली 5 टेंस विल कम एंड 0 यूनिट्स विल बी देयर. क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बाय काउंटिंग कॉइंस. फाइंड द प्राइस, प्राइस मतलब कीमत ऑफ द आर्टिकल, चीज का, बाय काउंटिंग कॉइन्स. यहाँ पर आर्टिकल दिया है, वस्तु दिए हैं और यहाँ पर कॉइन्स दिए हैं. 1 रुपी कॉइन्स, 2 रुपी कॉइन्स आप देखते हो ना डेली, तो कितना होता है यहाँ पर उसका प्राइस लिखना है. सो हियर फर्स्ट वन इज पेंसिल इज गिवेन और एक कॉइन्स दिया है, 2 रुपीज़, 2 रुपीज़, 2 रुपीज़. इन तीनों कॉइन्स को ऐड करना है. 2 + 2, 4, 4 + 2, 6. यानी पेंसिल का प्राइस कितना है, ये सिंबल है, रुपीस का सिंबल है और यहाँ पर आपको नंबर लिखना है, बस टोटल करके नंबर लिखना है, 6 रुपीस. सेकेंड वन यू कैन सी, यहाँ पर आर्टिकल का है आइसक्रीम.
कॉइन्स कौन से हैं? 5 रुपीज़, 5 रुपीज़, 5 रुपीज़। सो आपको क्या करना है, यू हैव टू ऐड देम एंड राइट द टोटल। 5 प्लस 5 ऐड करना है, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15। सो यू हैव टू राइट यर 50 नंबर, यानी यहाँ पर आइसक्रीम का प्राइस है 15 रुपीज़। सिमिलरली कैन फाइंड आउट द प्राइस ऑफ इरेजर बाय एडिंग दिस ऑल कॉइन्स एंड द काइट ऑल्सो सेम मैनर एंड राइट द प्राइस ऑफ द आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ड प्रॉब्लम्स। सो इन वर्ड प्रॉब्लम्स यू हैव टू रीड द क्वेश्चन थरोली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड वेदर इट इज रिलेटेड टू एडिशन सम और सब्ट्रैक्शन सम। एडिशन मतलब प्लस वाला सम, सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस वाला। तो फर्स्ट विल रीड फर्स्ट सम। रोहन हैज 12 बॉल्स। दोबारा पढ़ो, रोहन हैज 12 बॉल्स, सोहम हैज 7 बॉल्स, सोहम हैज 7 बॉल्स। हाउ मेनी बॉल्स डू दे हैव ऑल टुगेदर? हाउ मेनी बॉल्स डू दे हैव ऑल टुगेदर? तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है, रोहन के पास 12 बॉल्स हैं। तो यहाँ पर लिखना है, इफ 12 लिखना है, 12 बॉल्स रोहन हैज, रोहन के बाद पास 12 बॉल्स है। सोहम हैज 7 बॉल्स। तो 7 मतलब सिंगल नंबर ना, तो यूनिट प्लेस में लिखना है, टेंस प्लेस में नहीं लिखना है, यूनिट प्लेस में। 7 बॉल्स सोहम हैज, सोहम के पास 7 बॉल्स है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, हाउ मेनी बॉल्स डू दे हैव ऑल टुगेदर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ऑल टुगेदर मतलब आपको जोड़ना है, ऐड करना है, टोटल मतलब ऐड करना है, प्लस करना है। तो ये प्लस का साइन यहाँ पर लिखना है और ये दो नंबरों को ऐड करना है। ये 12 है, 12 पहला नंबर एडिशन में दिमाग में रखने का, 12 और सेकेंड नंबर का फिंगर्स दिखा लो आप। 12 के बाद क्या आता है, फॉरवर्ड काउंटिंग करने का, 13 14 15 16 17 18 19। तो यहाँ पर होगा 19। तो ऑल टुगेदर टोटल फाइंड आउट किया ना, तो लिखने का यहाँ पर लिखना है स्टेटमेंट, टोटल बॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2, देर आर 14 लड्डूज इन अ बॉक्स। राज एट 5 लड्डूज, हाउ मेनी लड्डूज आर लेफ्ट इन द बॉक्स? देर आर 14 लड्डूज इन द बॉक्स। एक बॉक्स के अंदर कितने लड्डू से पूरे 14 है, तो पहले लिखना पड़ेगा यहाँ पर 14। और उन्होंने बताया कि 14 लड्डू से बॉक्स में, यानी टोटल लड्डूस 14 क्या हो गया, ये टोटल लड्डूस है। राज एट 5 लड्डूस, राज करके लड़के ने क्या किया, उसमें से बॉक्स में से 5 लड्डू खाए। ओके, तो यहाँ पर 5 लिखने का, लड्डूस हेट बाय राज। ओके, निकाले टोटल में से 5 निकाला, मतलब क्या किया, सब्ट्रैक्शन सम है ये, माइनस लिखना है। और ये हो गया 14 में से 5 को निकालना है।
How many laddus are left in the box? How many laddus? कितने laddus बचे हैं 14 में से 5 निकालने के बाद? यहाँ पर लिखना है. तो 14 नंबर दिमाग में रखो, 5 फिंगर्स दिखाओ. आपको माइनस करना है तो बैकवर्ड काउंटिंग. 14 के पहले क्या आएगा? 13, 12, 11, 10, 9. तो यहाँ पर 9 आएगा. 9 लड्डूस लेफ्ट बचे हैं. लेफ्ट इन द बॉक्स लिख सकते हो या लेफ्ट भी चलेगा. 9 लड्डूस लेफ्ट इन द बॉक्स. सो यू हैव टू प्रैक्टिस. आप लोगों को ये स्टेटमेंट प्रैक्टिस करना है, नंबरिंग प्रैक्टिस करना है. और यहाँ से स्टार्ट करना. पहला स्टेटमेंट यहाँ पर होगा, सेकंड यहाँ पर होगा और थर्ड यहाँ पर होगा. ऐसे 3 स्टेटमेंट्स आना चाहिए, साइन आना चाहिए. नंबर यूनिट टेंस प्लेस में प्रॉपर लिखना है.